50% of the lobby is BGE. Cost mera chalu ho chuka hai. 4 3 2 yahan par ek I want to see sphere se bhi ek kill aa jaye to maza aa jaye. Yes, and filhal yahan par hum dekh sakte hain the plane path jo hai pura map ko beech mein se cheetah hua diagonally wahan par ja raha hai. सारी टीम को अपने अपनी लोकेशन जो उनकी पसंदीदा लोकेशन है बहुत इजीली वहां पर पहुंच के जल्दी जल्दी लैंडिंग कर पाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव टू गो टू फार अवे. बिल्कुल, हमारे मॉक वाले जैसे हर बारी जाते हैं गुफा. आई थिंक दे माइट चेंज देयर स्ट्रेटजी लिटिल बिट डिफरेंट दिस टाइम, क्योंकि देखो दो या तीन बार तुम जल जाते हो ना एक ही जगह तो इट्स लिटिल बिट प्रेडिक्टेबल. तो आई गेस बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस टीम दे माइट ट्राई समथिंग डिफरेंट और दे आर लाइक टू कॉन्फिडेंट कि हम गुफा उतरेंगे, गुफा हमारा अड्डा है, तो आ जाओ भाई हमारी हवेली में हम बताते हैं. Yes, and just like always, यहाँ पर हैवॉक की एक फाइट स्टार्ट हो ही चुकी है ऑलरेडी. वन मैन इज ऑलमोस्ट डाउन यहाँ पर. नेक्स्ट जेन और हैवॉक के एक एक बंदे ऑलमोस्ट डाउन हो चुके हैं. ऑलमोस्ट क्या हो ही चुके हैं. रिथ्वी इज ऑलमोस्ट हाफ द हेल्थ. दो बंदे हमें दिख रहे हैं भाई, एक और हो चुका है नॉक. हैवॉक इज गोइंग स्ट्रॉन्ग. एक तो उनका ऑलरेडी भाई नॉक किया, खत्म भी हो चुका है. तो इट्स ऑलमोस्ट 2 vs 2 4. या राइट, थोड़ा सा अभी तरस नहीं दिखाया जा रहा है इनके खिलाफ. यस, यहां पर 2v2 की ये सिचुएशन. सामने वाली टीम के लाइक प्लेयर्स अभी रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट जेन इज गेटिंग बैक ऑन देयर फीट. चारों ही प्लेयर यहां पर अगर खड़े हो गए तो हैवॉक को बहुत दिक्कत होने वाली है. हैवॉक का आर्यन ही है जो अकेला फाइट ले रहा है. पीछे से जे जजमेंट से मार रहे गोलियां. आई थॉट ही विल बी लाइक काइंड ऑफ गोइंग बैक क्योंकि रिस्क नहीं लेना, प्लेसमेंट पॉइंट्स है, बट ही वाज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट. वो जजमेंट से पीछे से मारता गोलियां और आगे से भाई हमारे हैवॉक भाई मार रहे थे भाई बोलियां. स्वाद ही आ गया, मजा आ गया. यस, तो लाइक हु व्हिच टीम आर यू सपोर्टिंग? आपको किस लाइक टीम से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन? मैं तो इनसेन पे पैसा लगाना चाहता हूं. पूरा पैसा इनसेन पे लगाना चाहता हूं. अभी लगाए फिर पैसा निकाल ले, क्या बोलते हो? आओ दोस्तों पैसा लगाते हैं इनसे. बिल्कुल, वॉलेट हमारे बाहर आ चुके हैं गाइस. अब देखते हैं इनकी स्किल्स बाहर आती हैं कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जेन के ऊपर अपने जा रहे हैं. जेन ने बहुत तगड़ी हमला कर दिया है. अब भाई मुश्किल से ही बच पाएगी सामने वाली टीम. यस, यहां पर फिलहाल हैवॉक का लास्ट मैन स्टैंडिंग. बहुत ही कम उनके एचपी है, इसी के साथ हैवॉक विल बी एलिमिनेटेड. लाइक काफी प्यारा वहां पर पसेओ ने जजमेंट का जो यूज दिखाया, पूरी की पूरी टीम को निलो है. अच्छी खासी उन्होंने वहां पर फाइट निकाली है. चलिए इसी के साथ वी आर हियर एट इनसेन. इनसेन के रोच ने पिछली वाली कॉस्ट में हम निकालने की बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी थी. तो मैं तो यही कह रहा था जैसे हमारे सिद्धूपाजी बोलते हैं ठोकर ताली, मैं भी ठोकर ताली कह नहीं लग गया था. पर बहुत ही तगड़ा हमें गेम प्ले देखने को मिल रहा है इनसेन के द्वारा. एपीआरएक्स भी हमारी जो टीम है इट्स अ न्यू टीम एंड दे वर डूइंग प्रीटी अमेजिंग वेल. मतलब मजा ही आ रहा था. जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है सारे लगा दो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर. बट आई थिंक यहाँ पे मॉक भी बहुत अच्छा खेलेगी. आई वांट टू सी देयर गेम प्ले एज वेल. गुरुकुल में घुसते हुए दिख रहा है इनसेन, धीरे धीरे स्काउट कर रहे हैं. Yes, फिलहाल तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस जगह में बहुत सारे कवर्स मौजूद हैं. तो यहाँ पर कोई भी टीम एक छोटी सी भी गलती उनको भारी पड़ सकती है क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ से उनके ऊपर गोलियां आ जाए. बिल्कुल, गुरुकुल के अंदर किसकी बत्ती गुल हो जाए पता नहीं लगता. बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें स्कूल हो जाए वो भी नहीं. हाँ, मतलब केड़े स्कूल में किसको कौन सी पढ़ाइयां पढ़ा जाए बंदा कुछ नहीं पता लगता. तो यही अपने को चाहिए. अब हमारे कौन सा बंदा आता है, मॉक की टीम आती है, मैड की टीम आती है, कौन सी आती है वो देखना बाकी है. क्योंकि पिछली गेम्स के अंदर मॉक वाले हर जगह से लेफ्ट राइट से थर्ड पार्टी रश पुश सब कुछ कर रहे थे. वही हम देखते हैं कि इस गेम के अंदर बिकॉज दे आर स्टिल ऑन नंबर वन, दो गेम में अपनी हो चुकी है, तो इस गेम के अंदर मॉक वाले अपनी लीड मेंटेन कर पाते हैं नहीं वो देखना बाकी है. यस, एंड यहाँ पर इनसेन का एक बंदा जो फ्लैंक किया हुआ था उसने काफी बढ़िया यहाँ पर इनको लोकेशन बताई अपने टीममेट्स को. उनकी पूरी टीम वहां पर घुसती चली जा रही है विद वन मैन कवरिंग. भाई इनसेन के कोबरा और हमारे इंडस के नाग एक दूसरे को टेलीपैथी से वो अप्रिशिएट करते हुए और शायद यहाँ से सिग्नल भेजे जा रहे हैं. इसको हम चीटिंग तो नहीं बोलेंगे पर बहुत बढ़िया गेम प्ले प्रोवाइडेड बाय हमारे इनसेन कोबरा. और मैंने इनको मैप के बारे में कुछ नहीं बताया. हाँ, ये तो आप कहोगे आप ही की बिरादरी का बंदा है पर बहुत ही मजेदार गेम प्ले. यस, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीम एचडीएक्स के बंदे वहां पर बाइक लेके अपने लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे. इनसेन ने जो उन पर डैमेज दिया दे हैड टू स्टॉप एंड टेक दैट फाइट. वो डस लिया भाई कोबरा ने. तो कोबरा ने तो बिना जहर के ही डस लिया जैसे उसने मुझे डसा था. पर बहुत ही बढ़िया गेम प्ले, नॉस्टैल्जिया याद आ गया इसको देख के. Yep, and अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉक की भी एक जगह पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है. मॉक इज आल्सो बीइंग एंगेज्ड इन अ लाइक रियली गुड फाइट. हमको अभी देखना चाहेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है बिकॉज़ मॉक हैज बीन परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग. ये हिटमैन वहां पे छुपे हुए पड़े हैं, ताक में लग रहे हैं किसी के.
पर पता नहीं शायद इनका अंजाम अच्छा ना लगा। As DX के हिटमैन वन मैन शो करने की सोच रहे हैं, he is still giving little bit footsteps, पर उनके आसपास कोई नहीं है। अगर वो बाइक के ऊपर होते तो हल्का सा भी वो हिलते उनका आइकन स्क्रीन के ऊपर दिख जाता, बट फुटस्टेप्स इतनी दूर से नहीं आते। अगर अब आ रहा है इंसेन का बंदा इस वक्त, इसको भाई SDX के हिटमैन को बिल्कुल टिक के बैठ जाना चाहिए, मतलब आराम से शांति से कुछ पढ़ ले मंत्र वगैरह, अब हिलियो ना, क्योंकि आई थिंक रेक्सी नोज राइट नाउ, जिस तरह वो मूवमेंट दे रहा है, ही इज गिविंग फुटस्टेप, फेक फुटस्टेप दे रहा है वो, एंड आई थिंक ही नोज अबाउट इट। रेक्सी को नॉक करेगा SDX इन 3-2-1, करते हैं नॉक, दैट इज अबाउट टू बी नॉक इन 3-2-1, ओ लकी गाइस, बहुत बढ़िया, अभी मेरे मुझसे कुछ निकल जाता पर बहुत बढ़िया गेम प्ले भाई, स्वाद आ गया। यस, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि रायमन ने बहुत बड़ी गलती करी, उनको पता था उनका टीममेट यहाँ पर है, उसको हेल्प की जरूरत होगी, ही शुड हैव कम, यहाँ पर एक अच्छा कवर देते तो दे वुड हैव एटलीस्ट गॉटन वन टू फिनिश इट, एंड मे बी वो अपने टीममेट को लेके वहां से एस्केप कर जाते। बिल्कुल, रेक्सी ने भी काफी अच्छा बेट दिया, बिल्कुल बिल्कुल दिखाया कि उनको पता ही नहीं था कि वहां पे, और रे और डीजीई और मोक के बीच में हो चुकी है, सिंधु भाई ने एक बंदा ऑलरेडी आए ओवर को शायद खत्म कर दिया है, तो अब ऐसे ही बोलते हैं दिलता नहीं माना तेरा, सिंधु मुझे अब पूछ चुके हैं नॉट डेविल, अब डीजीई रो तो एलिमिनेट हो चुकी है ऑलरेडी, अब डीजीई और मोक के बीच में क्या होगा, तगड़ी घमासान युद्ध। यस, यहाँ पर बहुत ही प्यारा मॉक वाले मॉक के प्लेयर ने नॉक जरूर किया था, बट डीजीई ने रिटेलिएशन में उनको नॉक बैक किया, एंड इसी के साथ खतरनाक जो इंटेंसिटी यहाँ पर बनती हुई, बिल्कुल मतलब डीजी मॉक के इगोर भी हो चुके हैं, मॉक हैज बीन एलिमिनेटेड बाय डीजीई, अमेजिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही तगड़ा अपने को चाहिए, सिंधु भाई अपने एलिमिनेट हो गया, पर वो एक अपनी वो देखे बलि की भाई मेरे टीम में जीत जाए और मैं ले जाऊंगा, बहुत बढ़िया उन्होंने डैमेज दिया दो बंदों को, क्या ही तगड़ा गेम प्ले, पता लग गया कि पंजाबी जट बंदा आया है, गा पाता मैं तेरे को, स्वाद आ गया शाबाश। हां, लाइक उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया वहां पर, जब वो अंदर में अचानक से अकेले घुस गए, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो प्लेयर ऐसे सडनली पूरा खुले सांड के जैसे अंदर घुस जाएगा, एंड वहां पर फिर उन्होंने जो एलिमिनेशन डैमेज लेके निकाले, That actually helped his team a lot. बिल्कुल, उनका खून का प्यासा होता है, जैसे बंदा लाल रंग उन्होंने देखा, उन्होंने बोला चल भाई मैच चकने जा रहा हूँ, और मेन चीज है वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट पॉइंट्स की, एक एक पॉइंट कितने मैटर करते हैं, अब मॉन्ग फर्स्ट गेम अच्छा करके गई, सेकंड गेम के अंदर वो 7 पोजीशन के अंदर निकल गई, दे वर स्टिल ऑन टॉप, अब ये जब वो अब निकले हैं प्लेसमेंट पॉइंट्स बहुत ही थोड़े कम आए होंगे उनके, एंड दे माइट कम ऑन टॉप 2 या टॉप 3, तो लास्ट के इसके बाद के जो 2 या 1 गेम प्ले होंगे दैट विल डिसाइड देयर जर्नी और उनका क्या फ्यूचर होगा इस टूर्नामेंट के अंदर, बिकॉज इट्स गेटिंग रियली टाइट नाउ, और ये सर्कल भी जहां पे क्लोज हो रहा है, ये दोनों ब्रिज के बीच में फाइट होने वाली ऐसे लग रहा है धीरे धीरे, तो ये मैच बहुत ही टफ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो लाइक ना हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यू सॉ दैट एंटायर मैच, अभी विच पोजीशन डू यू थिंक एक काफी बेनिफिशियल एडवांटेज क्रिएट कर सकती है किसी भी टीम के लिए इन द कमिंग स्टेजेस ऑफ द मैच? मैं तो कहूंगा जैसे जैसे धीरे लोग अप्रोच करें सर्कल की तरफ, एकदम से पहले ही ना कैंप कर ले, और लास्ट में जो आएगा उसको बेनिफिट मिलेगा सबसे ज्यादा। बिल्कुल, और ऊपर चढ़ चुके हैं हमारे त्रिकोण है ये जगह, जितना मुझे याद है नाका और त्रिकोण के बीच में हमेशा यहाँ पे उतरता था, जब मैं जितनी भी मैंने गेमें खेली है यहाँ पे सिर्फ कोई कोई प्लेयर्स को पता हाउ टू यू नो जस्ट एक ऊपर चढ़ जाओ तुम, एक हल्का सा रोटेट करके, एक बहुत तगड़ी जगह है यहाँ पे, मैट वालों ने पिछले हमारे प्रैक्टिस वालों के अंदर भी ये यूज की थी जगह, MGK Anthros has already noticed that, and let's see अब क्या होता है भाई। Yes, वहाँ पर MG जब यहाँ घुस रहे थे, उनको तभी shots लिए रहे उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो became a little alert, and अब वो वहाँ पर accordingly अपना यहाँ पर positioning और अपना जो gameplay है change करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर सामने height लेके बैठी थी वो team, अगर वहाँ से घुसने की कोशिश करती MG, और डेंजर उनको दो तरफ से पड़ी है गोलियां, राइट में अपनी DGE है, MG के सामने कौन सी टीम है, एक सेकंड साइबर है आई गेस। Yes, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिलहाल एक खतरनाक फाइट बनती हुई MG साइबर और मैड का वहां पर जो फाइट चल रहा था, इसी के अंदर साइबर थोड़े से एडवांटेज लेती हुई नजर आ सकती है। साइबर का एक बंदा खत्म हो चुका है, एक हो चुका है नॉक, तो एडवांटेज तो मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज में बदल चुकी है, MG का बंदा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड ही इज यू नो ट्राइंग टू हील अप, वो बेचारा हल्की हल्की सिस्कियां लेता हुआ हमारा हील कर रहा है, एंड ही इज फुल राइट नाउ, बहुत इतना सा रह गया था अकेला प्लेयर, ये एक एक सेकंड एक एक मिनट प्लेसमेंट पॉइंट्स कलर मैटर करेगा लास्ट की एक या दो गेमों के अंदर जो हम ये एक एक सेकंड देख रहे हैं, इट माइट चेंज द ऑल गेम प्ले, सारा का सारा, काफी लोग बाहर निकलते हैं,
बहुत बढ़िया विजला भाई, क्या कह रहे हो? वेल उनके वहां पर प्लेयर के डेफिनेटली आंखों के सामने काफी देर के लिए अंधेरा छा गया था, बहुत ही कम उनकी एचपी थी, हील भी किया, बट जो ब्रिज से निकलने का डिसीजन है दैट आई वुड से वाज नॉट दैट गुड, क्योंकि स्ट्रेट रास्ता है, वहां से आप निकलोगे तो आपको एलिमिनेट होने के चांसेस हैं। लो भाई पीएसएल भी एलिमिनेटेड, तुम कह रहे हो भाई अंधेरा छा गया, मैं कह रहा बंदा ही छा गया साटा, जितना अपना भाई इनसेन और बैड, ये दो दो टीमें अलग अलग जगह से साथ साथ लड़ रही है, इतना कुछ हो रहा है पता ही लग रहा कि कहां किसको स्पेक्टेट करें हम, लाइक दिस गेम इज गोइंग सो नेक टू नेक, इतने तगड़े तगड़े हमें गेम प्ले, इतने तगड़े तगड़े पीओवी दिख रहे हैं हमें, लाइक आई जस्ट वांट टू जंप इन द गेम एंड प्ले अगेंस्ट देम, इतना मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। इनसेन की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लग रही है कि वो लोग धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं और जहां से ये लोग अभी घुसेंगे आगे, एपीआरएक्स एलिमिनेटेड, लाइक हम देख सकते हैं काफी सारी जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं दे हैव स्टार्टेड गेटिंग एलिमिनेटेड काफी अर्ली ऑन इन दिस मैच। चलो एक चीज है हम देखें, टीडब्ल्यूओबी वाज इन 3 राइट, या तो मोक का गेम ये बहुत बेकार गेम, ठीक है, तो टीडब्ल्यूओबी माइट या डीजीई या टीडब्ल्यूओबी माइट डू समथिंग एंड इनमें से कोई एक बंदा शायर टॉप 1 का ले ले, इवन दो मोक के पास बहुत अच्छी लीड थी, बट अभी पासा बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है, अब स्कोरबोर्ड बदलेगा या नहीं बदलेगा वो देखना बाकी है। यस इनसेन के हम देख सकते हैं कोबरा वहां पर बेयरली लाइक निक ऑफ एन एचपी वहां पर सरवाइविंग ऊपर की तरफ आ गए, थोड़ा सा उनको वहां पर दिक्कत जरूर हो सकती है, बट डीजीई फुल पावर अपना यहां पर गेम प्ले जो स्मैश में दिखा रहे हैं, दे आर लाइक हम अभी भी है दोस्त, हम कहीं नहीं गए। बिल्कुल स्वागत नहीं करोगे हमारा, सल्लू भाई की आवाज में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, हुड़हुड़ दबंग हो रहा है हर जगह से, पीवी चैंप हमारा बिल्कुल जोन के बाहर है बट ही स्टिल फुल राइट नाउ, बहुत सारी अलग अलग तरफ से गोलियां पड़ रही हैं, पीवी चैंप जोन के बाहर से गोलियां मारने की कोशिश कर रहे हैं, डीजीई इज ट्राइंग टू यू नो रोटेट इट अ बिट एंड ट्राइंग टू सर्वाइव। यस फिलहाल तो डीजीई का वहां पर सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है कि वेट करते हैं सामने वाले प्लेयर जब तक फिनिश नहीं हो जाता, हम लोग यहीं पर रहेंगे, उनको अंदर नहीं आने देंगे, बट एक्सेप्टी आई लाइक टू से काफी इंप्रूव किया उन्होंने अपना गेम लाइक कंपेयर टू द लास्ट टू गेम्स, एंड एक अच्छी पोजीशन के आसपास भी है वो, पर वो नीचे के पोजीशन में है और बाकी सबके पास एडवांटेजेस हाइट पोजीशन है, इनसेन के पास भी काफी अच्छा लोकेशन है। एक चीज ये हमारे पास इस वक्त थोड़ी सेकंड के लिए हमें अच्छी लग रही है लोकेशन, जब तक यहाँ पे निर्वाणा नहीं आता फिर हमें लगेगा कि डीजीई के पास अब एक ही अच्छी लोकेशन है, वो है ब्रिज के पास, एंड दे आर प्लेइंग प्रीटी स्मार्ट, दो बंदे वहां पे खड़े हैं अभी भी सर्वाइव कर चुके हैं, इवन दो उनके एक दो बंदे नॉक हो चुके हैं बट दे आर स्टिल इन द जोन अंडर, मतलब ब्रिज के ऊपर अभी भी है, पीवी चैम मर चुके हैं, रीपर ने एक्सएफटी के बंदों को ग्रेनेड से उड़ा दिया है, बहुत ही तगड़ा गेम प्ले, निर्वाणा से बचते हुए डीजी माइट सर्वाइव देयर इफ दे प्ले देयर कार्ड्स राइट। यस लाइक मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं वहां पर क्या हुआ, एक्सएफटी ने अपने ही एक प्लेयर को नेड से उड़ा दिया वहां पर, कुछ ना कुछ वहां पर मिसकम्युनिकेशन हुआ, इसी के साथ एक्सएफटी हैज बीन एलिमिनेटेड, मैव इनसेन के लास्ट स्टैंडिंग प्लेयर कोबरा भी एलिमिनेट होने वाले हैं, डीजीई ऑन फायर, उनके ठीक पास में वहां पर कॉस्पियम मौजूद है, देयर इज ओनली नेक्स्ट जेन जो उनके वहां पर कंपटीशन खड़ी है, नेक्स्ट जेन के साथ लेफ्ट में अगर हम देखें मैड या कोई एक टीम जो हमें दिख रही है, या मैड के बंदे वहां पे है, टीडब्ल्यूओबी के बंदे यहां पे है, नेक्स्ट जेन के बंदे, अब डीजीई आ रही है ब्रिज की तरफ से, दे हैव नॉट मैड, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस, स्मोक में कॉस्ट्यूम अपना है लेफ्ट साइड, डीजीई को भाई अच्छी फाइट लेनी चाहिए, साइबर को तो एलिमिनेट कर दिया है, अब दे माइट टेक द कॉस्ट्यूम एंड आई वांट टू सी दैट क्लच, मुझे देखना है कि कॉस्ट्यूम ले पाएगा नेक्स्ट जेन का बंदा, भाई साहब लेता लेता रह गया बंदा वहीं पे था एंड ही हैज बीन नॉक्ड डाउन। यस वहां पर काफी अभी यहाँ पर जो इतने अमाउंट ऑफ टीम्स बची हुई है, 5 टीम बची है यहाँ पर, कॉस्ट्यूम में ना बहुत मुश्किल होने वाला है, सारे लोग पूरा कॉस्ट भी हम उठाया, अमेजिंग विक्ट्री निकालते हुए यहाँ पर डीजीई।